फ्रेंड्स इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ उसके साइड में एक बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उससे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू में। मेरा नाम है आशीष चौरसिया और फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर जनवरी करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपका क्या स्कोर रहा, कितने सही जवाब रहे ये भी आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में ही सातवीं एशियन भारत पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, मलेशिया, वियतनाम या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, वियतनाम। जो हाल ही में ही सातवीं एशियन भारत पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक है वो वियतनाम में आयोजित की गई थी। अब कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है एशियन जो है, तो ये क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसका फुल फॉर्म होगा, नोट डाउन करिएगा आप। और इसकी जो स्थापना है, इस एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1967 में। कब हुई थी, 1967 में। अब इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है आपका जकार्ता में। कहाँ स्थित है, जकार्ता में स्थित है, ये बातें आप लोग नोट डाउन करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर टू, हाल ही में ही मानव अधिकार के लिए समर्पित दुनिया का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया है, बीजिंग में, मॉस्को में, लंदन में या इनमें से कोई नहीं। तो सी राइट आंसर होगा यहाँ पर, लंदन में। कहाँ लॉन्च किया गया है ये टीवी चैनल, लंदन में लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा किया गया अगर ये पूछता है तो IOHR, HR क्या होगा यहाँ पर, मानव अधिकार, मींस क्या होगा, ह्यूमन राइट्स। तो जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ह्यूमन राइट्स के द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया है टीवी चैनल लंदन में। और एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पे कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को ये मानव अधिकार दिवस होता है। ये सारी बातें आपको नोट डाउन करनी चाहिए, कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में बनती है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी। तो क्वेश्चन नंबर 3, दिवस का 15वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, अहमदाबाद, गोरखपुर, वाराणसी या इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर होगा वाराणसी में स्टार्ट हुआ है ये, आप सभी लोग जानते हैं आई थिंक। और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है जहाँ जिसमें चीफ गेस्ट जो है मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर है पीके जगनोथ जी इसके चीफ गेस्ट हैं। तो ये बातें आप लोग नोट डाउन करिएगा जो मैंने बताई आप। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ही स्टीफन लॉफवेन किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं, मैक्सिको, स्वीडन, डेनमार्क या इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर होगा वो स्वीडन। और अच्छा क्वेश्चन ये, हो सकता है कि ये एग्जामिनेशन में बनता हुआ दिखाई दे इसलिए आप लोग नोट डाउन करना। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ही भारत सरकार ने गुजरात और किस राज्य में 3 नए नौसेना एयर स्क्वाड्रन स्थापित करने की मंजूरी दी है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा या इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है आपके सामने, तमिलनाडु, बी राइट आंसर होगा, तमिलनाडु में ये मंजूरी दी गई है, आप लोग याद रखेंगे। ये आगे रख लेते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 में, हाल ही में ही एंड्री रोजाइलिना ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर या हंगरी, इनमें से कोई भी नहीं। तो वो शपथ ली हुई है उन्होंने मेडागास्कर में, किस कहां पर ली हुई है, मेडागास्कर में। तो ये नोट डाउन करिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में ही भारत का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, नई दिल्ली, नासिक, जयपुर या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे और राइट आंसर जो है यहाँ पे वो है बी आपका, राइट आंसर होगा बी नासिक, नासिक इसका बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पे भारत का दूसरा नासिक में है, तो पहला कहाँ पे होगा, तो पहला था इसका तमिलनाडु में, इज इट क्लियर। आगे हम आपको रख लें नेक्स्ट क्वेश्चन में, इससे पहले कहूंगा कि भाई वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है ना तो फटाफट आप लोग लाइक कर दें। और अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, हाल ही में ही इंडिया 2019 एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है, नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, राइट आंसर होगा बी मुंबई।
आई थिंक आप लोगों ने सही थिंक किया है सभी लोग ने। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, हाल ही में ही 2 दिवसीय एग्री विजन 2019 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर या इनमें से कोई भी नहीं? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर हैदराबाद बी। हैदराबाद में ही हाल ही में 2 दिवसीय एग्री विजन 2019 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ही UNCCD की पार्टियों के सम्मेलन के 14वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? रूस, चीन, भारत या इनमें से कोई भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 10, तो वो करेगा भारत देश। कौन सा देश करेगा? भारत देश करेगा उसकी मेजबानी। नोट डाउन करने का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ही JICA और किस देश ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रूस, चीन, भारत और इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी, भारत। तो हाल ही में ही जो JICA है और भारत ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, आप लोग उसे नोट डाउन करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। और अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, हाल ही में ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई है? रूस में, चीन में, स्विट्जरलैंड में या इनमें से कोई भी नहीं? तो ये बैठक जो प्रारंभ हुई है वो हुई है सी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, हाल ही में ही मेरी ऑलिवर का निधन हुआ है, वो कौन थी? मेरी ऑलिवर ये एक गायिका थी, पत्रकार थी या लेखिका थी? इंडिया इनमें से कोई भी नहीं। तो ये थी एक लेखिका, याद रहेगा आपको कौन थी ये, एक लेखिका थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ही DDRS का क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई या इनमें से कोई भी नहीं? तो राइट आंसर आपके सामने होगा यहाँ पर मुंबई। हाल ही में ही DDRS का जो क्षेत्रीय सम्मेलन है ये मुंबई में आयोजित किया गया है। नोट डाउन कर सकते हैं आप, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ही किसे संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज या अनुराग ठाकुर या इनमें से कोई भी नहीं? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा आपका अनुराग ठाकुर। हाल ही में ही संसद रत्न पुरस्कार से अनुराग ठाकुर जी को सम्मानित किया गया है। नोट डाउन करिएगा आप, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, हाल ही में ही डीफो पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में या इनमें से कोई भी नहीं? तो राइट आंसर आपको यहाँ मिल जाता है अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश इज अ राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में ही आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? असम में, गुजरात में, त्रिपुरा में या इनमें से कोई किसी में भी नहीं? तो वो किया गया है बी, गुजरात में। कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है, नोट डाउन करिएगा आप। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ही किस IIT ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्ण BTech कार्यक्रम शुरुआत किया है? तो दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर या इनमें से कोई भी नहीं? तो राइट आंसर है वो IIT हैदराबाद। ये पहली बार हुआ है कि IIT ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूर्ण BTech कार्यक्रम या कोर्स प्रारंभ किया है IIT हैदराबाद ने, ये पहली बार है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ही ITF का $25,000 का महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? कुछ ऑप्शन आपके स्क्रीन में है और राइट आंसर है आपके सामने अंकिता रैना। अंकिता रैना ने ये जीता हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है ये, आने की संभावना में है इसलिए आप लोग उसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में ही किस देश ने दुनिया के पहले कृत्रिम उल्का वर्षा के लिए उपग्रह किसने लॉन्च किया है? चीन, अमेरिका, जापान या इनमें से कोई भी नहीं? तो राइट आंसर आपका यहां पर मिल जाता है आपको सी, जापान। जापान ने ये लॉन्च किया हुआ है और जो कृत्रिम उल्का लॉन्च किया हुआ है इन्होंने। हाल ही में ही भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया हुआ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर ये जुर्माना लगा हुआ है। नोट डाउन करिएगा आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है 22 नंबर का, हाल ही में ही युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है?
तो हाल ही में ही एक युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम लॉन्च हुआ है, जो लॉन्च किया हुआ है इसरो ने। किसने लॉन्च किया है? जो इसरो ने लॉन्च किया है, नोट डाउन करिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने यहाँ पर। हाल ही में ही रोजा रोजा पार्क्स ट्रेल ट्रेल ब्लेजर अवार्ड किसे दिया गया है? देखिए काफी अच्छा प्रश्न ये, और ये दिया गया है आपको, बी राइट आंसर होगा, गुरिंदर सिंह खालसा को ये अवार्ड मिला है, आप लोग जानते हैं जैसा कि। और आई थिंक काफी लोगों ने सही जवाब दिए हैं अभी तक जितने भी प्रश्न चले हैं। चलिए लास्ट में कमेंट बॉक्स पर अपना स्कोर जरूर लिखना। हाल ही में ही खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इस खेल को शीर्ष पर राज रहा है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा इसमें पदक जीते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर का। हाल ही में ही भारत ने यूरेनियम की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।